सो नाउ स्टार्ट करेंगे जब रिलेशन, तो इस रिलेशन में दे रखा है सबसे पहले स्टेप्स जो हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा स्टेप बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव करने हैं जैसे इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले गिवन फोर्स जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MVR। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो इनकी डायमेंशंस को अज्यूम कर लेते हैं, ऑर्डर चाहे कोई भी हो ज़रूरी नहीं है, आप पहले मास, वेलोसिटी या रेडियस यही लिखें, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, लास्ट में रिलेशन प्रॉपर आ जाएगा। तो इसमें डायमेंशंस लेट कर ली हैं ABC। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो बीच में साइन मैंने लगाया है एक्चुअली ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, सिंबल अनअवेलेबल था इसलिए ये लगाना पड़ा मुझे। तो इसको रिमूव करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा K। तो F इज इक्वल टू KMVR, वही लिखा है, पावर्स इनकी लगा दी हैं ABC। और इसको हमेशा इक्वेशन वन लिखते हैं, ऑलवेज दिस विल बी द इक्वेशन वन, हमेशा यही रहेगी इक्वेशन वन। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद राइटिंग डायमेंशनल फार्मूलाई ऑन बोथ साइड्स। तो फिर से वही डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, लेफ्ट साइड में फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया MLT-2, राइट में मास कैपिटल M हो गया, वेलोसिटी LT-1 हो गई, रेडियस जो है वो लेंथ हो गई, बाकी डायमेंशंस एज इट इज़ लगा दिए हैं। फिर क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो लेफ्ट साइड में भी पावर्स लिख दी हैं, क्योंकि पावर्स को ही कंपेयर करेंगे। तो M1L1T-2, और राइट में आ जाएगा M की पावर A, L की पावर B+C और T की पावर -B। फिर जब कंपेयर किया पावर्स को तो मास की पावर लेफ्ट में 1 है, राइट में A है, तो A इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से लेंथ में देखेंगे तो B+C इज़ इक्वल टू 1, टाइम में देखेंगे तो -B इज़ इक्वल टू -2। तीनों को सॉल्व किया तो A 1 आ रहा है, B 2 आ रहा है, C-1 आ रहा है। इनको पुट कर दिया, कहाँ पुट किया? इक्वेशन वन में, इसीलिए हमेशा इक्वेशन वन रहेगी। तो F इज इक्वल टू K, मास की पावर 1 हो गई, वेलोसिटी की पावर 2 हो गई और रेडियस की पावर -1। सिंप्लीफाई किया तो रेडियस कहाँ जाएगी? अपॉन में KMV² / R। फिर बाद में कांस्टेंट जो है वो K 1 हो जाएगा। फॉर्मूला कितना आ जाता है? F इज इक्वल टू MV² / R। कांस्टेंट्स मोस्टली 1 हो जाते हैं, जहाँ नहीं होते हैं वहाँ थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है। ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 1 ही हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें लिखा है लेट अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो किसके लिए ड्राइव करना है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड के लिए। किस पे डिपेंड करता है? तीन चीज़ें दे रखी हैं, मास ऑफ द बॉब, दूसरा है लेंथ, तीसरा है ग्रेविटी। तो वही कि आपने डायमेंशंस को एज्यूम कर लिया इस तरीके से, फिर आपने ये रिमूव किया तो कॉन्स्टेंट आया M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। ठीक है, अब आपने यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ही पुट किए, तो लेफ्ट साइड में T है तो इसको पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो M0L0T1। ओके, और राइट में जब लिखेंगे तो राइट में हो जाएगा मास ML जो है वो L रहेगा और GLT-2 हो जाएगा। ओके, तो एक बार ड्राइव करके इसको देखिएगा, M0L0T1 और राइट में हो जाएगा L की पावर B और LT-2 की पावर C। फिर सिंप्लीफाई किया राइट में तो M जो है एक ही बार आ रहा है तो उसकी पावर A रहेगी, L जो है वो कितनी बार आ रहा है तो यहाँ B है और यहाँ पे C है, तो L की पावर हो जाएगी B+C और T की पावर कितनी हो जाएगी? -2C। उसके बाद आप पावर्स को कंपेयर करेंगे तो A तो 0 हो गया है क्योंकि मास की पावर 0 है, इसी तरह से B+C जो था वो भी 0 हो जाएगा और तीसरा जो है -2C वो हो जाएगा +1, तो C की पावर कितनी आ गई? -1/2। ओके,
और सी की पावर माइनस हाफ आई तो बी की पावर प्लस हाफ आएगी। ओके, तो इसको जब आप पुट करेंगे किस रिलेशन में, टाइम पीरियड वाले में, तो टी इज़ इक्वल टू आपने लिखा था के एम की पावर तो ज़ीरो हो गई, एल की पावर कितनी है थी बी, और बी कितना है माइनस हाफ, और सी की पावर सॉरी जी की पावर कितनी हो गई प्लस हाफ। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एल की पावर जो है मैंने सिंप्लीफिकेशन करके नहीं दिखाया, आप देख लीजिएगा, एल की पावर प्लस हाफ और जी की पावर माइनस हाफ आएगी। ओके, तो ये रिलेशन इस तरह से हो जाएगा कि एम ज़ीरो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एल ओवर जी, और जो के है वो के एक्सपेरिमेंट से 2π आता है, तो ये रिलेशन जो है वो टाइम पीरियड का यहाँ पर आएगा। ओके, 2π अंडर रूट एल ओवर जी, तो बस कुछ जगहों पे कांस्टेंट याद रखना पड़ेगा, बाकी मोस्टली 1 होता है। फिर ये इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज है, यहाँ से आप जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो इसमें दे रखा है लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन एम वी, तो रिलेशन वैसे ही बनाएंगे, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू आप लिखेंगे एच एम वी, डायमेंशन ए बी सी एज्यूम कर लेंगे, ये वाला तो कराया जा चुका है, इस वाले में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जी, इसमें वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, और इसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एच। ओके, तो इनमें किसी में भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। और फिर आता है ये हाफ पार्ट जो है वो यहाँ तक है इस चैप्टर का, फिर इसके आगे जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस ज़्यादा पार्ट है वो फिनिश हो गया है, इसके बाद आपका जो है वो मेजरमेंट वाला पार्ट स्टार्ट होगा, एरर्स वाला। ओके, तो लिमिटेशंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड है डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के को हमेशा रिमूव ही कर देते हैं। दूसरा है कि ये जो है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अ फिज़िकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मोर देन वन फिज़िकल क्वांटिटी, जो एक से ज़्यादा पर डिपेंड करती है उसके लिए रिलेशन ड्राइव नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज सम और डिफरेंस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दिस वर्ड इज़ अदर, तो ये याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।